वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 डेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार ओम मणिपद में हम ओम साईं राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, हां की सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। और इस बारी ये जो रीडिंग है ये कुछ अलग तरीके की रीडिंग है। मैं कोई हैंड रिटन मैसेजेस नहीं रखने वाली हूँ, चैनल्ड मैसेजेस होंगे, यानी कि मैं कार्ड्स निकालूंगी और मैं इस तरीके से आपको बताऊंगी कि वो क्या कहना चाहते हैं, जैसे वो खुद आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, सो देखिएगा यहाँ पर मैंने रख रखे हैं दो ग्रुप्स और यहाँ पर हैं नेम के इनिशियल्स। और इस बारी आपको अपने नेम का इनिशियल नहीं देखना है, आपको देखना है उनके नेम का इनिशियल जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उसी आधार पर आपको एक ग्रुप सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको अपनी रीडिंग देखनी है। जनरल रीडिंग है गाइज, याद रहे तो सारी ही बातें जो मैं आपको बताऊंगी ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट करे, तो जो करते हैं उनको रख लें, जो नहीं करते उनको जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी देख सकते हैं, जनरलेस रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है। लेकिन हाँ, मैं जो लेटर आपके सामने पढ़ूंगी वो इसी तरीके से पढ़ूंगी कि आप फीमेल हैं, क्योंकि मुझे इस तरीके से मैसेजेस देने में थोड़ा इजी लगता है। ठीक है, तो आप से जिस तरीके से वो रेजोनेट करे आप उस तरीके से ले लेना। ऑलराइट, एंड यस, सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता, तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं ये रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर वन जहाँ पर इनिशियल्स कुछ इस तरीके से हैं और आपको अपने इनिशियल्स नहीं देखने हैं गाइस, उनके इनिशियल्स देखने हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो। ओके, फिर से मैं बता दूँ, तो चलिए इसको साइड में रखते हैं, ये तो आपको पता ही है कि कौन सा ग्रुप है। और यहाँ पर हम देखेंगे कार्ड्स और फिर हम देखेंगे कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं, चैनल्ड मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ओके, टेम्परेंस, लवर्स। ओके गाइस, सो अब मैं रीड करूंगी और लेट्स सी कितने मैसेजेस मैं निकाल पाती हूँ यहाँ से। जस्ट अ मिनट, सबसे पहले मैं राशियाँ बताना चाहूँगी। एयर साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं, अर्थ साइन के हो सकते हैं, या फिर आप फायरी एनर्जी भी है यहाँ पर, वाटर साइन भी है बट उतना ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा, सन मून साइन हो सकता है, जैसे नेम से हो सकते हैं वाटर साइन हो, बर्थ से हो सकता है एयर साइन हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आई नो कि मेरे जो तरीके हैं वो हमेशा गलत ही रहे हैं, मेरे अनुसार वो सही थे लेकिन तुम्हारे अनुसार वो बेशक गलत थे। और ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि हमारे बीच बहुत अंतर है, तुम बहुत इमोशनल हो, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ,
मैं प्रैक्टिकली सोचता हूँ, लॉजिकली सोचता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जिंदगी इमोशंस से नहीं चलती। हमें जीने के लिए प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत पड़ती है। बेशक ये बुरा लगता है देखकर, सोचकर, क्योंकि रियलिटी बहुत अलग है उस दुनिया से जिस दुनिया में हम रहना चाहते हैं, जिस दुनिया को हम इमेजिन करते हैं, जहाँ पर प्यार हो, सुकून हो, एक ऐसी ज़िंदगी जो मूवीज़ में दिखाई जाती है, बट रियलिटी बिल्कुल अलग है। तुम्हें समझाता तो तुम्हें समझ नहीं आता, इसलिए मैं बिन बताए, बिन कहे, या फिर कह लो कि तुम्हें ऐसा दिखा कर कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में फीलिंग्स नहीं है, प्यार नहीं है, कहकर मूव ऑन हो गया। बट मूव ऑन कहना भी गलत होगा, क्योंकि मैं मूव ऑन नहीं हुआ, मैं बस कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए तुमसे दूर गया, इसलिए कि जब मैं वापस आऊँ तो उस काबिल बन सकूँ कि तुम्हारे साथ रहूँ और तुम्हें एक स्टेबल लाइफ दे सकूँ, हम दोनों को एक स्टेबल लाइफ दे सकूँ। और एक बेहतर जीवन हम दोनों एक दूसरे के साथ बिता सकें। शायद मेरे बात करने का तरीका ठीक ना रहा हो, शायद मैंने कभी कभी बहुत रूडली बिहेव किया, शायद मैंने कभी कभी सच बोला जो तुम्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा नेचर ही ऐसा है। और तुम मुझे वैसे ही तो प्यार करती हो, तुम तो शुरुआत से ही जानती थी कि मैं कैसा हूं, और तुमने मुझे प्यार किया। और मैं आज भी नहीं बदला और ना बदलूंगा, जैसा मैं खड़ूस सा पहले था ना, बिल्कुल वैसा ही हूँ लेकिन जो प्यार तुम्हारे लिए मेरे दिल में पहले था वो अभी भी वैसा ही है। अगर कुछ नहीं बदला तो वो कैसे बदल सकता है। मैं वापस आ रहा हूँ वो सारी खुशियाँ लेकर जो मैंने तुमसे छीनी, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें उस वक्त छोड़ा जब तुम्हारे साथ कोई नहीं था, तुमने मेरी वजह से सभी से झगड़ा मोल लिया, अपनी फैमिली के अगेंस्ट गई, अपने फ्रेंड से तुमने झगड़ा किया, जब सभी लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया उस वक्त मैंने भी तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन फिर भी वही कहूँगा कि मेरे इंटेंशंस बुरे नहीं थे, मैं चाहता था कि हम दोनों एक स्टेबल लाइफ जिएं, लेकिन वो चीज़ तुम्हें समझ ही नहीं आती क्योंकि तुम बहुत इमोशनल हो, बहुत ही ज़्यादा। तुम जिस दुनिया में रहती हो वो दुनिया बस सपनों में होती है, रियलिटी में नहीं। मैं तुम्हारे लायक बनना चाहता था, और जब हम दोनों साथ होते थे, बात करते थे, तो मुझे लगता था कि वो बैलेंस है ही नहीं हम दोनों के बीच में। तुम एक एम्प्रेस हो और मैं बस एक किंग, मुझे भी तो एक एम्प्रेयर बनने की ज़रूरत थी ना तुम्हारे साथ रहने के लिए। और तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारे साथ नहीं भी था ना, तब भी मैं तुम्हें स्टॉक किया करता था, स्पाई किया करता था, इधर उधर से, धीरे से, चोरों के जैसे, कि कहीं तुम्हें पता नहीं लग जाए, क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा था कि तुम ग्रो करती जा रही थी। जब मैंने तुम्हें छोड़ा उस वक्त मुझे ये लगा कि पता नहीं इसका क्या होगा, लेकिन हाँ मेरी प्रेयर्स इसके साथ हैं तो कुछ गलत तो नहीं होगा, बट हाँ ये रोएगी, परेशान होगी और फिर एक दिन ठीक हो जाएगी। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं तो आश्चर्य में ही रह गया, तुम तो ग्रो कर रही थी, तुम आगे बढ़ रही थी, वो जो हमेशा किसी के सहारे रहा करती थी आज अकेले सब कुछ कर रही थी, आज लोग तुम्हें जानते हैं, प्यार करते हैं, इतनी पॉपुलर हो तुम। और मुझे लगता है कि जो मैंने फैसला किया था शायद वो सही था, बेशक उस वक्त काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहा ये एक्सपीरियंस तुम्हारे लिए भी, और सच मानो तो मेरे लिए भी। तुम्हें लगता होगा कि मुझे कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन हुआ, बहुत दर्द हुआ, लेकिन मैंने वही सोच लिया कि जैसे माँ बाप अपने बच्चों को खुद से दूर कर देते हैं उनका भविष्य बनाने के लिए,
बस वही चीज़ मुझे याद आई कि हमें भी अपना भविष्य बनाना है और मुझे तुम्हें खुद से दूर करना होगा। खुद की लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए, खुद को योग्य बनाने के लिए और तुम्हें एक बेहतर ज़िंदगी देने के लिए। मुझे ऐसे लगा था कि इस बार जब मैं आऊँगा तो तुम्हें वो स्टेबिलिटी दूँगा और तुम्हें एक रानी के जैसे बना कर रखूँगा, लेकिन अब तो ऐसे लगता है जैसे तुम्हें मेरी ज़रूरत है ही नहीं। पहले भी नहीं थी, लेकिन अब तो लगता है कि बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास आने वाला हूँ, तुम्हें सरप्राइज देने वाला हूँ। तुम्हारे छोटे छोटे दिए हुए सारे गिफ्ट्स मेरे पास रखे हुए हैं, वो सारे गिफ्ट्स और ये सारे गिफ्ट्स जो मैं तुमको दूंगा, हम मिलकर अपने घर में इसको सजाएंगे और ज़िंदगी भर साथ रहेंगे। इक्वल गिव एंड टेक के साथ। यस, मैं 24 घंटे तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। कोई भी काम करता हूँ तो दिल नहीं लगता, हर वक्त तुम्हारा ख्याल रहता है। बहुत इमोशनल हूँ अभी, आँखों में आंसू हैं। जल्दी से आकर तुम्हें हग करना चाहता हूँ और ये बहुत जल्दी होगा। मैं आने वाले 2 महीनों में तुम्हारे सामने होऊंगा, आई प्रॉमिस यू। ओके गाइस, सो ये लेटर था आपके लिए उनकी तरफ से। नहीं पता कि किसके साथ में रेजोनेट किया होगा, बट काफ़ी सुंदर एनर्जी थी। सो या, अगर आपको ये पसंद आई हो रीडिंग तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने सेलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 2, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आता है। इनिशियल्स आपको उनके चुनने हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, ना कि आपके नेम के इनिशियल्स। ऑलराइट, सो चलिए देखते हैं क्या कुछ आता है आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। ओके, लवर्स, 6 of Cups, एस ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ सोर्ड्स, मून, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। हैंग्ड मैन, ओके। ऑलराइट गाइस, सो जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं वो बेशक मुझे वाटर साइन दिखते हैं या फिर फायर साइन हो सकते हैं, एंड एयर साइन भी मुझे लग रहा है कुंभ राशि के हो सकते हैं, पॉसिबल है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, जस्ट अ मिनट। आई लव यू सो मच। भले ही मैंने तुमसे कभी ये बात कही नहीं, भले ही उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं करी जिस तरीके से शायद तुम सुनना चाहती थी, बट ऊपर वाला जानता है कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तुमसे मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, कई जन्मों का है। तुम्हें जब पहली बार मैंने देखा था ना, उस वाइट कलर की ड्रेस में, वाइट एंड रेड, मुझे ऐसे लगा था कि बस मेरी तलाश यहीं पर ख़त्म हुई, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। और इसीलिए तो मैं तुम्हें इतना फॉलो कर रहा था, बार बार तुम्हें मिलने के लिए बोल रहा था, बार बार तुम्हें देखने की कोशिश करता था। तुम्हारे सामने जो मैंने ऑफ़र रखा था
बिजनेस का वो ऑफर तो बस बहाना था, मुझे तो तुम्हें अपने पास बुलाना था। मैं चाहता था कि हम दोनों मिलें, बातें करें और फिर एक दिन हम दोनों शादी के मंडप पर हों। तुम्हारे साथ जो खुशी मुझे महसूस होती थी, वो खुशी मुझे कभी किसी के साथ महसूस नहीं हुई। तुम इतनी इनोसेंट थी, तुम्हारी हर एक बात में तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारी मासूमियत झलका करती थी और मुझे लगता था कि कोई ऐसा भी हो सकता है इस दुनिया में। आजकल तो बच्चे भी इतने इनोसेंट नहीं होते जितने कि तुम थी। तुम्हारी सुंदर सी आँखें, तुम्हारे बात करने का तरीका, सभी को हेल्प करने की आदत, सभी को हील करने की आदत, निडर, इतनी टैलेंटेड, मैंने आज तक कभी किसी को ऐसा देखा ही नहीं था। आई नो कि मैंने तुम्हें हर्ट किया, आई नो कि ये जो मैंने किया है इसे धोखा ही कहते हैं, हालांकि मैं धोखा नहीं देना चाहता था। लेकिन ये धोखा ही कहलाता है, बातें ना बताना, छिपा कर रखना, हाँ ये धोखा ही है, लेकिन मैं मजबूर था। कोई और है जिसकी जिम्मेदारी मुझे उठानी थी, मेरी फैमिली की भी मुझे सुननी थी, उसके चलते मैं तुम्हें वो नहीं दे पाया जो कि तुम डिज़र्व करती हो। और मुझे पता है कि मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी है, यकीन मानो तकलीफ़ में मैं भी हूँ। मैंने कोशिश बहुत की, लेकिन तुम तो जानती हो मेरी माँ कभी मानती ही नहीं। 4 सालों तक मैं ये सोचता रहा कि हाँ मैं कर पाऊँगा, मैं कर लूँगा, लेकिन फाइनली मुझे हार माननी पड़ी। मुझे ऐसे लगा कि शायद सेक्रीफाइस करना ही सही है। ये सेक्रीफाइस तुम्हें चीटिंग लगी, लेकिन ये सेक्रीफाइस ही था। मैं तुम्हें ग्रो करते हुए देख रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी प्रतीक्षा है, तुम्हें मेरा इंतज़ार है। तो मुझसे कहा करती थी कि हम दोनों सोलमेट्स हैं। उस वक्त मुझे कभी कभी हंसी आ जाया करती थी कि ऐसा भी कुछ होता है क्या, लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि हाँ तुम सच में मेरी सोलमेट ही थी। तुम्हें पता है मैंने तुमसे काफ़ी कुछ सीखा है, तुमसे मैंने लोगों की दिल से हेल्प करनी सीखी है। हेल्प मैं पहले भी लोगों की करता था, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा ना कि निस्वार्थ भाव से किस तरीके से तुम लोगों की हेल्प करने लग जाती हो खुद की फिक्र किए बगैर, उससे मैंने कई सारी चीज़ें सीखी। अभी भी मैं सारी जिम्मेदारियां निभा रहा हूं, जो घर की जिम्मेदारियां हैं, जो बाहर की जिम्मेदारियां हैं, कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हें अच्छे से परफॉर्म करूँ, क्योंकि तुम ही कहती थी ना कि जब भी कुछ करो तो उसको अपना 100% दो। 100% देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें दूर से देखता रहता हूँ, तुम्हें ग्रो करते हुए देख रहा हूँ। मुझे एक स्टार के जैसी लगने लग गई हो तुम। जब तुम मेरे पास थी उस वक्त मुझे इतना एहसास नहीं था, लेकिन आज जब तुम मुझसे दूर हो तो मुझे लगता है कि अरे ये वही है जिसके साथ में मैंने इतना टाइम गुजारा। तुम्हें कई लोग पसंद करते हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही ग्रो करो। मैं आना चाहता हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें कमिटमेंट भी देना चाहता हूँ, लेकिन मजबूरियाँ ऐसी हैं कि मैं रुका हुआ हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं इस सबसे बाहर निकल भी पाऊँगा या फिर नहीं। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और इस जन्म में भी मैं कोशिश करता रहूँगा।
मैं तुमसे दूर हो गया हूँ उसके बाद भी मेरे अंदर डर रहता है तुम्हें खोने का। मैं नहीं जानता कि क्यों, लेकिन ये डर है। कई सालों तक मैंने तुमसे कई सारी सच्चाइयाँ छिपा कर रखी, और बेशक तुम्हारे मन में ये सवाल आते होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। उसकी भी वजह यही थी, मेरे अंदर डर था। कई सालों के बाद मुझे सच में मुस्कुराना आया था, मुझे एहसास हुआ था कि मैं ज़िंदा हूँ, और मैं नहीं चाहता था कि यह एहसास मेरे अंदर से जाए। तुम बहुत कीमती हो मेरे लिए और मैं नहीं खोना चाहता था, और इसीलिए मैंने कई ऐसी बातें थीं जो छिपा कर रखीं। मुझे पता था कि जब तुम्हारे सामने आएंगी तो मेरा और तुम्हारा दोनों का ही दिल टूटेगा, लेकिन मेरे छुपाने ने, मेरे बचने ने स्थिति को और ख़राब कर दिया। आई एम सो सॉरी फॉर इट। यू आर ऑलवेज इन माई हार्ट, यू आर इन माई ब्लड। मैं क्रॉस रोड्स पर था और मुझे एक्शन लेना था, और परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी जिससे कि मुझे लगा कि शायद मेरा मूव ऑन होना ही ठीक है, तुम्हें छोड़कर जाना ही ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें भी प्रोटेक्ट करना चाहता था। शायद हमारे भाग्य में यही था। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं बैलेंस बना सकूं, लेकिन नहीं बन पाया। मैं तुम्हें बिन बताए कुछ कहे तुम्हारी ज़िंदगी से बाहर हो गया। बेशक मैंने गलत किया और मुझे मेरा कर्मा ज़रूर मिलेगा, और कहीं ना कहीं मुझे मिल भी रहा है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझे कर्मा पर बहुत भरोसा है। और मैं सज़ा पाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो तकलीफ़ मैंने तुम्हें दी है उस तकलीफ़ से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। जो दर्द मैंने तुम्हें दिया है, कोई भी दर्द उससे बढ़कर नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मन में एक आस रहती है कि शायद हम मिलेंगे, और ज़रूर मिलेंगे, पता नहीं क्यों। जबकि रास्ते बंद हैं, सामने से कुछ दिखाई नहीं देता, सारी कोशिशें मैंने कर ली, लेकिन फिर भी ये लगता है कि नहीं, हम मिलेंगे ज़रूर। अगर कोई पर्पज़ नहीं होता तो हमें क्यों मिलाया होता यूनिवर्स ने। एक दिन मेरा और तुम्हारा दोनों का लक बदलेगा और हम वापस से मिलेंगे, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम मिले थे। और हाँ, इस बार जब मिलने आना तो मुझे वाइट कलर में ही दिखना, मुझे वाइट एंड रेड में तुम बहुत सुंदर लगती हो। अपना ध्यान रखना और ज़्यादा रात तक नहीं जागना। टेक केयर। ओके गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग। मुझे नहीं पता कि किन लोगों के साथ में रेजोनेट करी होगी, कुछ बड़ी ही अलग सी थी। सो जैसे भी लगी हो आपको रीडिंग, आप मुझे बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, रेजोनेट करा हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।